गुड मॉर्निंग टू ऑल। कोरोना वायरस को लेके हम केरला पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास चालू किए हैं। आज मेरा क्लास सिक्स का मैथ्स क्लास है, जिनमें कि आपको जो भी बताया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, अपना नोट्स तैयार कीजिएगा, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद जहाँ तक क्लास हो जाएगी वहीं से पुनः स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पहले इनके विषय बता दें, इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव के अंत तक और पॉजिटिव के अंत तक जितना भी संख्या आता है सब इंटीजर्स कहलाता है। सबसे पहले आपको अपना नोट्स में इंटीजर लिख के एक तीन डिफिनेशन दिया हुआ है, तीन डिफिनेशन लिखना है। आप बुक को देख रहे हैं, ये तीन डिफिनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर, उसके बाद है होल नंबर और तीसरा नंबर है इंटीजर्स। ये तीनों के डिफिनेशन लिखने के बाद आप लोग अपने नोट्स में इनके एग्जाम्पल को पहले क्लियर कीजिएगा। एग्जाम्पल होने के बाद चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंटीजर के लिए हम कुछ फॉर्मूला आपको बताना चाहेंगे। चार फॉर्मूला है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। चार फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ये चार फॉर्मूला हमको इंटीजर में हमेशा याद रखना है। इसी चार फॉर्मूला पर मेरा पूरा चैप्टर सही तरीका से बनेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा 1A चैप्टर एक्सरसाइज 1A से, एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है आपको इवेल्यूट करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 15 प्लस माइनस 8। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जब भी आप सॉल्व कीजिएगा सबसे पहले जो चार फॉर्मूला आपको बताया तो फॉर्मूला को ध्यान रख के सॉल्व करना है। पहला देखिए 15 है, 15 डालेंगे प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस होगा और यहां 8 हो जाएगा। तो 15 में 8 जाएगा, 15 में जब 8 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 ये मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार से वन नंबर को हमको सॉल्व करना है। एक आपको बता दिए, बाकी का जो भी क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन है उनको भी हम ले लेते हैं, जैसे कि एक का ही 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन है, अभी तो आपको एक माइनस मिला तो मैं माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस कर दिए। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दो माइनस और एक प्लस है। अब क्या करना है, तो सबसे पहला बात है यहां पर माइनस के साथ संख्या है, यह माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, इसके लिए संख्या दीवार बन के खड़ा है और यह माइनस उसके साथ नहीं जाएगा। तो यह माइनस सेवन रह जाएगा और अब यहां पर प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा 23। अब दोनों माइनस है, जब चिन्ह समान हो, जब दो चिन्ह समान हो दोनों आपस में जुटेगा, जब दो चिन्ह आपस में विपरीत हो तो आपस में घटेगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, 7 के पहले भी माइनस लगा हुआ है, 23 के पहले भी माइनस लगा हुआ है, दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे और लेकिन साइन क्या रहेगा, साइन माइनस का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देख लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। हम कोई बिजनेसमैन है, पहले हमको 7 रुपया लॉस लगा, फिर हमको 23 रुपया लॉस लगा, तो कितना लॉस हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे हम, ऐड करने पर 30 होता, 30 क्या लगा, 30 लॉस लगा, इसलिए लॉस का साइन देना होगा, माइनस 30 होगा आंसर, आंसर माइनस 30। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम ऑफ, अब वन नंबर का नेक्स्ट सभी छोड़ दिए हैं, ये सारा आपका होमवर्क है और इसको करेक्ट पूरा अपना कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फाइंड द सम, फाइंड द सम बोल रहा है।
क्वेश्चन है आपको 153 एंड -302। तो सबसे पहले करना क्या है, सम जब बोल रहा है तो 153 एंड के प्लेस पर हमको प्लस का साइन डालना है, क्योंकि सम बोल रहा है, सम मतलब जोड़ होता है, और ये -302 है, जिसको क्वेश्चन में ले लेंगे -302। पहले तो इसको सही रूप से बैठा देंगे हम। बैठाने के बाद अब जो आपको फॉर्मूला बताया गया है माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, उस फॉर्मूला पर चलेंगे। तो क्या है, 153 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस 302। अब देखिए इसमें क्या हो गया है, ये 153 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, 302 के पहले माइनस का साइन है, मतलब 153 रुपया हमको फायदा हुआ और 302 रुपया घाटा लग गया। कोई भी बिजनेस में हमको फर्स्ट रोज 153 प्रॉफिट हुआ और 302 लॉस लग गया, तो क्या हुआ, हमको लॉस या गेन हुआ, तो सबसे पहले माइनस करेंगे हम इसको। माइनस करने के बाद वन फोर्टी नाइन क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ हमको, तो हम देख रहे हैं लॉस वाला साइन बड़ा है, जब लॉस वाला साइन बड़ा है इसका मतलब लॉस लगा है, तो इसमें माइनस का साइन लगाएंगे, -149, ये हमको लॉस हो गया, ये आंसर हो गया। इसमें कुछ अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ में साइन नेगेटिव का साइन पहले बाद में दिया है, कुछ में नेगेटिव साइन पहले दे दिया, कुछ में नेगेटिव साइन दोनों तरफ दे दिया है, तो सभी प्रकार का एक एक क्वेश्चन बता दे ताकि आपको घर में बनाने में कोई परेशानी ना हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, -489 एंड -324, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको बताए थे रूल के अनुसार सम करना है, सम के जाति पहले लाना है, कैसे बैठाएंगे, तो -489 प्लस, इसमें माइनस का साइन है इसलिए इसको क्वेश्चन ले रहे हैं, -324। अब क्या करना है, तो -489 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस 324। हम क्या देख रहे हैं, इसमें दोनों संख्याओं में माइनस लगा हुआ है, आपको पहले ही बता चुके हैं हम, जब समान साइन रहेगा तो आपस में जुटेगा, जब डिफरेंट साइन रहेगा तो आपस में घटेगा। हम क्या देख रहे हैं, इससे भी पहले माइनस लगा हुआ है, इससे भी पहले माइनस लगा हुआ है, तो दोनों जुटेगा और साइन क्या रहेगा, जो साइन दिया हुआ है, जो माइनस है, माइनस का साइन लगाएंगे हम, इक्वल टू माइनस 813, ये मेरा आंसर हो गया, समझ गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपको टोटल अपने नोट्स में सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, अधिक समय बर्बाद नहीं करते हुए, चूंकि आपका बहुत समय बर्बाद हो चुका है, इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका चैप्टर को खींच ले। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स लिखना है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है देख लीजिए, एडिटिव इनवर्स होता है जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ हो माइनस हटा देना है, जिसमें प्लस का साइन है उसमें प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपको 3 नंबर का, वन में दिया हुआ है -83, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, माइनस लगा हुआ है, एडिटिव मतलब होता है उल्टा, उल्टा कर देना है, माइनस लगा हुआ माइनस भगा देना है, प्लस लगा हुआ तो माइनस लगा देना है, हो जाएगा 3 नंबर आप लोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सब्सट्रैक्ट, ठीक सम के तरह ही सब्सट्रैक्ट में भी उसको पहले उसका जो आकृति होता है उस आकृति में बैठाना पड़ता है, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है 28 फ्रॉम -42, फ्रॉम दिया हुआ है मतलब 28 को 42 में घटाओ, 42 में घटाओ, तो ये 42 फ्रॉम जो दिया हुआ है ये -42 को पहले लिखेंगे, -42। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन देंगे, माइनस यहां पर माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे,
यदि माइनस का साइन लगा रहता इसको हम छोटी ब्रैकेट में बंद करके लिखते, उसके बाद माइनस इनटू माइनस करके उनको प्लस करके फिर उसका सॉल्व करते, लेकिन लगा हुआ नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। तो जब डायरेक्ट लिखे तो हम क्या देखते हैं, फिर ये दोनों माइनस आ गया है। जब दोनों माइनस समान साइन रहेगा तो क्या, पहले ही बता चुके हैं हम, जब दोनों समान साइन रहेगा दोनों को आपस में जोड़ देंगे और साइन माइनस रहेगा। चलिए जोड़ दीजिए, माइनस 70 ये आपका आंसर हुआ। अब इसमें माइनस में भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि अभी देखिए कि सेकंड पॉइंट में सेकंड नंबर में यहाँ माइनस लगा हुआ है, कभी ऐसा होगा कि फर्स्ट नंबर माइनस लगा हुआ होगा, कभी ऐसा होगा कि दोनों तरफ माइनस लगा हुआ होगा। तो आपको कोई परेशानी ना हो तो हम हर क्वेश्चन को, हर प्रकार के क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को टच कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है माइनस 37 फ्रॉम माइनस 53। अब देखिए इसको जब हम अपना इक्वेशन में बैठाएंगे तो पहले कौन सा संख्या लिखेंगे, अभी जस्ट आपको बताए थे पहले हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन संख्या लिखते हैं पहले, उसके बाद फर्स्ट नंबर को बाद में लिखते हैं, क्योंकि फ्रॉम दिया रहा था, फ्रॉम मतलब होता है इससे घटाना है, तो माइनस 53 पहले लिखेंगे, माइनस 53 अब हमको करना है माइनस। अब क्या बताए थे हम, इसमें पहले साइन नहीं था तो हम डायरेक्ट उतार दिए थे, अभी तो निगेटिव साइन लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको छोटी कोष्ठ में डाल के माइनस 37 लिखेंगे। ये आपको एक क्वेश्चन में बैठ गया, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए कैसे, तो माइनस 53 माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस प्लस 37। अब आप क्या देख रहे हैं, एक में माइनस लगा हुआ है एक में प्लस लगा हुआ है, डिफरेंट साइन है, साइन जब डिफरेंट हो तो क्या होगा, आपस में माइनस होता है तो बराबर हो जाएगा 16। अब 16 में कौन सा साइन लगेगा तो हम यह देखेंगे, प्लस वाला नंबर बड़ा है या माइनस वाला नंबर बड़ा है, नंबर माइनस वाला बड़ा है तो जो नंबर बड़ा रहता है वही साइन लगता है, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस साइन लग जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का एक और, क्वेश्चन नंबर 7 माइनस 64 फ्रॉम 0। अब 0 से माइनस 64 को माइनस करना है, कैसे करेंगे, तो सेम वही रूल है, सेकेंड नंबर को पहले लिखेंगे, जीरो को पहले लिखेंगे, जीरो माइनस करना है, इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, इसको पोस्ट में लेंगे माइनस 64। अब जीरो माइनस इनटू माइनस इक्वल टू प्लस प्लस 64। अब 64 में जीरो को जोड़ना है, जीरो जोड़ेंगे क्या होगा, 64 ही होगा, इसलिए इक्वल टू 64 आंसर हो गया, समझ गए इसको। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको इक्वेशन में इसको बैठाना है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 1032 एंड 878 फ्रॉम माइनस 34 फ्रॉम माइनस 34। पहले कहता है सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ, मतलब ये दोनों को जोड़ के, माइनस 1032 और 878 को जोड़ के जितना आएगा उसको माइनस 34 में घटाना है, ठीक है। तो बैठाएंगे कैसे, सो देखिए 5 नंबर में, तो फ्रॉम के बाद कौन सा संख्या है, वो संख्या पहले आता है, तो फ्रॉम के बाद माइनस 34 है, तो माइनस 34 में माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो ये दोनों के सम को माइनस 1032 और प्लस 878 को, ये दोनों को सम करके, ये दोनों को सम करके जो आएगा इसमें से घटाना है। तो चलिए माइनस 34 माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर में, हम क्या देख रहे हैं इसमें, एक माइनस में है एक प्लस में है, साइन अलग अलग है, जब ये साइन अलग है तो आपस में माइनस होगा, चलिए माइनस कीजिए, वन 54 आया, साइन कौन सा लगेगा हम देखेंगे, साइन किसका, कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा साइन वाला संख्या बड़ा है, तो प्लस साइन वाला 878 है और माइनस वाला 1032 है, तो माइनस वाला साइन बड़ा है इसलिए साइन माइनस लगेगा। अब आगे सॉल्व कीजिए,
-34, अब देखिए माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस 154। अब जब यहां तक आए फिर आगे क्या देख रहे हैं हम, एक में प्लस का साइन लगा हुआ, दूसरा में माइनस का साइन लगा हुआ है, साइन डिफरेंट है, साइन जब डिफरेंट है तो आपस में घटेगा, घटा देंगे तो 4 में 4 गया 0, अब 5 में 3 गया 2 और 1। अब साइन कौन सा यहां देना है, हम आपको बताए हैं साइन चेक करेंगे कौन सा संख्या, कौन सा बड़ा संख्या कौन है साइन वाला, तो हम यह देख रहे हैं माइनस में 34 है और प्लस में 154 है, प्लस वाला साइन बड़ा है इसलिए प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा, यही आंसर हो गया 120, ये आपका आंसर हो गया। ये 5 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, सबस्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। कहता है सबस्ट्रैक्ट कीजिए 134 को किससे, तो कहता है सम ऑफ 38 एंड -87, तो 38 -87 फ्रॉम के बाद है, इसको पहले लिखना है क्योंकि इसको सम करना है, ठीक है, तो करेंगे क्या 38 प्लस -87 इसको सम करना है, इससे माइनस करना है किसको, तो -134 को, ठीक है, इक्वेशन बैठा दिए जैसा बताया गया वैसा इक्वेशन बैठा दिया, अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो 38 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -87, अब यहां पर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस 134। अब कोष्ठक क्रिया पहले होता है तो पहले हम कोष्ठक क्रिया करेंगे, हम क्या देखते हैं कोष्ठक में एक में प्लस लगा हुआ है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, एक से पहले माइनस का साइन लगा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट साइन हो गया, जब ये डिफरेंट साइन होगा माइनस हो जाएगा, चलिए 7 में से 8 गया नहीं जाएगा, 17 में 8 गया 9 और 7 में 3 गया 4, साइन कौन सा हो जाएगा माइनस वाला साइन बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा, माइनस लग गया, इधर प्लस है प्लस 134। अब फिर इसमें भी आ गया डिफरेंट डिफरेंट साइन का, हम क्या देख रहे हैं 134 से पहले प्लस का साइन है और 49 से पहले माइनस का साइन है, तो 34 जब डिफरेंट साइन है तो फिर माइनस होगा, माइनस करेंगे हम, आया। अब साइन कौन सा लगेगा, तो साइन हम क्या देख रहे हैं प्लस वाला जो है संख्या बड़ा है तो प्लस प्लस में ही रहेगा, ये 85 आपका आंसर हो गया, समझ गए इसको। चलिए आज हम आप लोग का 6 नंबर तक लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में 7 नंबर स्टार्ट करेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन में हम एक दो तीन करके बना के आपको दिए हैं, नेक्स्ट जितना है ये सब आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में बना के रखिएगा। HWM हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपका HWM हो गया 1, 2, 3, 4, इसका जो जितना भी है वो उसका टोटल बनाना है, जो कि पेज नंबर है, पेज नंबर 4, 5 पेज नंबर 4, 5 का है, ये टोटल आपको बना के रखना है, आपका नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे, आपको ये बना के फोटो क्लिक करके मेरे ग्रुप में भेजना है, चेक करेंगे तब आगे हम आपको 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना।